नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करेंगे फरवरी के पहले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है ये पहला सप्ताह फरवरी का। यहाँ पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक प्रत्येक राशि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर कौन सी राशि को क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या चीज़ें करने से बचना चाहिए, ताकि आपका ये सप्ताह और भी अच्छा जाए और आप अपने आने वाले समय को और अच्छे से इंजॉय कर पाएं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये फरवरी का सप्ताह कैसा जाने वाला है। मेष राशि आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो 5वें घर पर स्थित रहेंगे। 5वें घर पर चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत का संकेत देता है। आपको एक अच्छा मन को थोड़ा सा शांत रखना जरूरी है, ऐसा संकेत यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आपको ऐसा हो सकता है कि भविष्य की चिंताएं सताने लग जाएं। आपके दिमाग में ऐसा चीज़ें आ सकती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सप्ताह मेरा कैसा जाए, मैं इसके लिए क्या प्लानिंग करूं, उसको लेके आप थोड़ा सा परेशान यहां पर हो सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सप्ताह रहने वाला है। आपको दूसरों से थोड़ा सा बच के रहना है, मतलब कि दूसरे लोग जो कि आपके चाहने वाले हैं, जो कि आपके साथ रहते हैं, वही कहीं ना कहीं आपका नुकसान ना कर दे, इस बात से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कतें ज़्यादा बड़ी समस्याएं यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई देगी और आपका ये जो सप्ताह है वो बहुत आराम से यहाँ पर कट जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। पैसों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको शरीर के पिछले हिस्से में दर्द की समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती है, कमर का दर्द आपको हो सकता है, गर्दन का दर्द आपको हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव है, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ये पैसों से रिलेटेड मामलों में एक कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का सप्ताह है। जी हाँ, अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोन आप ले सकते हैं, बकायदा आप लोन मिल सकता है आपको, बट थोड़ी सी मेहनत उसमें ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं लोन मिल पाएगा। या किसी से पैसों से हेल्प चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। वेडनेसडे के दिन कहीं ना कहीं पैसा आने का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं पैसों से जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी थकान जरूर रहेगी इस पूरे सप्ताह, आपकी मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, मानसिक थकान थोड़ी सी रह सकती है, मैं ऐसा यहाँ पर कहूँगा। तो सेटिस्फेक्शन या शांति आपको थोड़ी सी कम मिले, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतभेद मत होने दीजिएगा किसी के भी साथ, आर्गुमेंट से बचिएगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पेट से संबंधित बीमारियाँ आपको हो सकती है, खाने पीने का पूरी तरह से सावधानी रखनी है आपको, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है ये खुशियां लेके आने वाला है। भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अपने लेवल पर अच्छे से होने लग जाएंगी। मंगलवार और बुधवार का जो दिन रहेगा दोस्तों, वहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है, खासकर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और किसी से उलझना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बुधवार और गुरुवार के दिन किसी का पैसा रुका हुआ अगर है, आपका पैसा अटका हुआ है किसी के पास, तो वो आपके पास वापस आ सकता है, ऐसे भी चांसेज यहाँ पर दिखाई देते हैं। यात्राएँ अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा अभी जल्दबाजी ना करें यात्राएँ करने की, नहीं तो आपको परेशानियाँ होंगी, जॉइंट्स में आपको पेन ज़्यादा हो सकता है, ऐसे चांसेज यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपनी सेहत का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है ताकि कोई बड़ी दिक्कतें बड़ी समस्याएं आपको ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ये खुशियां लाल लेके आने वाला सप्ताह है। जी हाँ, कर्क राशि के लिए ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं सफलता दिलाने वाला समय रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे आप सभी को लेके जाने वाला समय रहेगा। कर्क राशि आप सभी को गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं चोट लग सकती है पैरों में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लग सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना है। बाकी पूरा सप्ताह आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी, अपने आप को शांति से चलें और इस सप्ताह में आगे लेके जाएं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो पाएगी। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आय के नए स्रोत अब आपके बन सकते हैं। जॉब अगर सर्च कर रहे हैं तो जॉब मिलने की संभावनाएं यहां पर बन सकती है। किसी पुराने दोस्त की, किसी कलीग की मदद आपको यहां पर मिल सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके यहां लिए यहां पर रास्ता खोल सकती है। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जॉब सर्च कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपको इस काम में लग जाना चाहिए ताकि एक आपको अच्छी जॉब यहां पर मिल सके। सीनियर्स, अगर आप ऑलरेडी काम में हैं तो सीनियर्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है, वहां पर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि कोई ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा परेशानियां यहां पर ना हो पाए और ये सप्ताह आपका बहुत आराम से आपका निकल जाए। हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है ताकि इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो पाए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आपको नहीं करनी है ताकि आप इन बीमारियों से दूर रहें। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड मामलों में दिक्कतें दे सकता है, परेशानियां दे सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं कन्या राशि, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने पैसों को इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार और मंगलवार थोड़ा सा मुश्किल दिन आपके लिए रहेगा, बुधवार से स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, तो आपको सोमवार और मंगलवार को थोड़ा सा आराम से समय निकालना है। साथ ही साथ कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानी हो जाए, चाहे खासकर देखिएगा अपर बॉडी पार्ट पे, आंख, नाक, कान, गला, इन चार जगहों पर अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कतें ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं यहां पर तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। तुला राशि वाले जातक, आप सभी के लिए लंबे समय से कोई विवाद चला आ रहा है तो वो विवाद यहाँ पर कहीं ना कहीं सुलझता हुआ आप सभी को नजर आएगा, और साथ ही साथ आपको नई जगह जाने का मौका मिल सकता है, नए लोगों से मिलने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, आय के साधन आपके बढ़ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंगलवार और बुधवार के दिन आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, तनाव से दूर रहना है और अपने आप को रिलैक्स रख के जितना रखेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखें तो वहाँ पर आपको आगे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो संयोग रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा सफलता वाला संयोग रहेगा। वृश्चिक राशि, आय के नए साधन आपके खुल सकते हैं, आय आपको अच्छे लेवल पे मिल सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कोई नई डील आपकी यहाँ पर साइन हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप जॉब करते हैं नए प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला सप्ताह है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको रहेगी, पेट में कब्ज़ हो सकता है, जलन हो सकती है, पेट में कोई और बड़ी बीमारी हो जाए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आपको ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर धनुराशि की। धनुराशि वाले जातकों के लिए भी ये लिए सप्ताह जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सप्ताह यहाँ पर दिखाई देता है। नए काम आप कर सकते हैं, नए काम अगर आपने शुरू किए हैं अभी तो उसमें आपको अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मिल सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। धनुराशि, आपके लिए ये जो सप्ताह है ये ट्रैवलिंग लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, नई नई जगह जा सकते हैं आप, नई जगह घूम सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मौका आपको मिल सकता है, ऐसे चांसेस आपके पूरे पूरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ धनुराशि, आपको क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है और इसके लिए किसी भी तरह से विवाद में नहीं उलझना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर ना हो पाए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि कोई बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां आपको ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनावपूर्ण समय यहाँ पर रह सकता है। मकर राशि के जातक, आपको तो विशेषकर सावधानियाँ यहाँ पर रखनी है। काम पे, कार्यस्थल पे, जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। परिवार के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ओवरऑल आपको हर जगह पर अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की बड़ी समस्याएं आपको ना हो और किसी बड़ी समस्याओं से आपको गुजरना ना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने आप को रिलैक्स रखना है ताकि कोई बड़ी दिक्कतें आपको ना हो। गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर रह सकता है। नए अवसर यहाँ पर आपको मिलेंगे कुंभ राशि,
नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, किसी परिवार की किसी सदस्य की बीमारी भी हो सकती है, उसके कारण से भी आपको परेशानियाँ हो सकती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कोई बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं आपको ना हो पाए। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है, धन प्राप्ति का समय यहाँ पर दिखाई देता है। रुके हुए काम अब आपके पूरे होने लग जाएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। किसी भी तरह से आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप हर तरह से अपने आप को सक्षम रख के आगे चल पाएंगे, ऐसे चांसेस आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर समय रहेगा। वाहन का प्रयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, खासकर मंगलवार और बुधवार के दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है, बट ये दिन आपके अच्छे ही है, खराब नहीं है, तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। मीन राशि के लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए ये जो पहला सप्ताह है फरवरी के महीने का, ये बहुत शानदार जाएगा और आप सभी को हर तरफ से इस सप्ताह में सक्सेस देखने को ज़रूर से मिलेगी। आप सभी खुश रहेंगे और आप सभी के सारे काम आराम से यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग किसी खास विशेष महत्व के लिए जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उपाय करना चाहते हैं इस सप्ताह, तो डेली एनर्जी अपडेट्स देखते रहिएगा, उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगा वो आपके इस सप्ताह के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेंगे और आप उन उपायों को करके अपने सप्ताह को और भी ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके अलावा जहाँ जहाँ शेयर कर पाएँ प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।